फाइटोकेमिकल्स ये रासायनिक यौगिक हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। फाइटो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्लांट्स या पौधे। इनमें से कुछ रंग प्रदान करते हैं, जैसे ब्लूबेरीज में पाया जाने वाला गहरा बैंगनी रंग, तथा कुछ में गंध की विशिष्टताएं होती हैं, जैसे लहसुन की गंध। इनकी बायोलॉजिकल महत्ता होती है, जैसे कैरोटीनॉइड्स या फ्लेविनॉइड्स, किंतु इन्हें आवश्यक पोषक तत्वों का नाम नहीं दिया गया है। हजारों की संख्या में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। वर्षों से फाइटोकेमिकल्स के बारे में विशेष ज्ञान नहीं होने के बावजूद उन्हें औषधीय महत्व दिया जा रहा है, जैसे विलो ट्री लीव्स का प्रयोग ज्वर के उपचार में किया जाता रहा है। पाक क्रिया में कुछ फाइटोकेमिकल्स के नष्ट होने का भय रहता है, जबकि कुछ फाइटोकेमिकल्स की मात्रा पाक क्रिया से बढ़ जाती है। फाइटोकेमिकल आधारित विभिन्न आहारीय सप्लीमेंट्स भी बाजार में उपलब्ध हैं। परिभाषा: फाइटोकेमिकल्स आर नॉन न्यूट्रिटिव प्लांट केमिकल्स दैट हैव प्रोटेक्टिव और डिजीज प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज। ये औषधीय पादप रसायन हैं जिनमें सुरक्षात्मक या रोग निरोधक गुण पाए जाते हैं। इन्हें अनावश्यक पोषक तत्व भी कहा जाता है, अर्थात ये जीवन को बनाए रखने के लिए शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। यह सर्वविदित है कि इन रसायनों का उत्पादन पौधों द्वारा स्वयं की सुरक्षा के लिए किया जाता है, किंतु हाल ही में किए गए विभिन्न शोधों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि ये मनुष्यों की भी रोगों से रक्षा कर सकते हैं। लगभग 1000 से अधिक फाइटोकेमिकल्स का पता लगाया जा चुका है। इनमें से कुछ प्रमुख फाइटोकेमिकल्स हैं टमाटर में उपस्थित लाइकोपीन, सोए के आइसोफ्लेविन्स और फ्रूट्स के फ्लेवेनॉइड्स। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, अर्थात रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों द्वारा प्राथमिक अथवा द्वैतिक चयापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे फलों, सब्जियों, साबुत अनाजों, बीन्स, नट्स और ऑयल सीड्स में। फाइटोकेमिकल्स के कार्य: विभिन्न फाइटोकेमिकल्स अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। फाइटोकेमिकल्स के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज या एंटीऑक्सीडेंट गुण। अधिकतर फाइटोकेमिकल्स में एंटीऑक्सीडेंट क्रिया होती है, तथा हमारी कोशिकाओं की ऑक्सीकारक क्षति से रक्षा करते हैं, तथा कुछ प्रकार के कैंसर से भी शरीर को बचाते हैं, जैसे प्याज व लहसुन के एलाइल सल्फाइड्स, फल गाजर आदि में उपस्थित कैरोटीनॉइड्स, फलों व सब्जियों में पाए जाने वाले फ्लेवेनॉइड्स, चाय अंगूर आदि में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स। दूसरी प्रकार के कार्य हैं हार्मोनल एक्शन या हार्मोनल क्रिया। सोए में पाए जाने वाले आइसोफ्लेवॉन्स मानव ईस्ट्रोजन की नकल करते हैं, तथा मीनोपॉज व ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षणों को कम करने में सहायक होते हैं। तीसरा कार्य है एंजाइम्स का उत्तेजन या स्टिम्युलेशन ऑफ एंजाइम्स। पत्ता गोभी में उपस्थित इंडोल्स
ऐसे एंजाइम्स को उत्तेजित करते हैं जो ईस्ट्रोजन को कम प्रभावशाली बना देता है तथा स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है। अन्य उदाहरण हैं सोए व बीन्स में उपस्थित प्रोटीएज अवरोधक, खट्टे फल और चेरी में पाए जाने वाले टर्पीन्स। फाइटोकेमिकल्स का चौथा कार्य है कि यह डीएनए की प्रतिकृति बनाने में अवरोध उत्पन्न करता है, अर्थात इंटरफेरेंस विद डीएनए रेप्लिकेशन। बीन्स में पाए जाने वाले सैपोनिन्स डीएनए रेप्लिकेशन में अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा इस प्रकार कैंसर कोशिकाओं के गुणन को रोकते हैं। पेपर या काली मिर्च में उपस्थित कैप्सेसिन डीएनए को कार्सिनोजन्स से बचाती है, अर्थात कैंसर कारक जीवाणुओं से उसको बचाती है। अगला कार्य है एंटीबैक्टीरियल प्रभाव। लहसुन में उपस्थित एलिसिन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बहुत से फाइटोकेमिकल्स एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं तथा शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। एक और फाइटोकेमिकल्स का कार्य है भौतिक क्रिया या फिजिकल एक्शन। कुछ फाइटोकेमिकल्स फिजिकली या भौतिक रूप से कोशिका भित्ति से जुड़ जाते हैं तथा इस प्रकार पैथोजन्स या रोगाणुओं को कोशिका भित्ति पर चिपकने से रोकते हैं, जैसे प्रोएंथोसाइनिडिन्स जो क्रैनबेरी में पाया जाता है। इसके उपयोग से मूत्र नली के संक्रमण या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव होता है तथा दांतों की सुरक्षा को भी सुधारा जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि फाइटोकेमिकल्स विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं तथा शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। खाद्य स्रोत या फूड सोर्सेस। भोजन जिनमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं वे हमारे दैनिक आहार का भाग हैं। वास्तव में अधिकतर भोज्य पदार्थों में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। अपवाद के तौर पर शर्करा और अल्कोहल को छोड़कर कुछ भोजन जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां, बीन्स और हर्ब्स या जड़ी बूटियों में कई फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में फल व सब्जियों को खाने से शरीर में उपलब्ध फाइटोकेमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। सेब, अखरोट, आड़ू, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाजर, गोभी, लहसुन, दालें, बीन्स, प्याज, लाल मिर्च, सोयाबीन, टमाटर आदि इनके उत्तम साधन हैं।